अपराध और अपराध को रोकने की कवायद छत्तीसगढ़ सरकार के साथ साथ राजधानी रायपुर की पुलिस भी बड़ी मुस्तैदी से करने का दावा करती है। पुलिस महानिरीक्षक का स्पष्ट निर्देश है कि पुलिस थानों में सभी मामलों के FIR दर्ज करने में कोई हीला हवाली हो ना हो, लेकिन हम जो मामला आपको बताने जा रहे हैं उसके बाद से छत्तीसगढ़ पुलिस को लेकर आपकी सोच ही बदल जाएगी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के मजगहन थाना क्षेत्र की, जो हमेशा सुर्खियों में बना रहता है। इस बार भी सुर्खियों में है, लेकिन मामला थोड़ा अलग है। दरअसल बोरिया कला हाउसिंग बोर्ड सोसाइटी में मौजूद कपड़े की दुकान में चोरी हो जाती है। दुकान मालिक अपनी फरियाद लेकर थाने भी जाता है और 24 घंटे के अंदर चोर गिरफ्तार भी हो जाता है। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि ना तो इस घटना की FIR तक दर्ज होती है। 16 अक्टूबर को हाउसिंग बोर्ड में हुई चोरी के मामले को लेकर बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। चोरी करने वाले नाबालिग थे, इससे पहले भी चोरी के मामले को अंजाम दे चुके हैं, पहले भी इन्हें छोड़ दिया गया था। पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई न करने पर नाबालिग चोरों का हौसला बढ़ा और उन्होंने दूसरी चोरी को अंजाम दे दिया। मेरी दुकान है कपड़े की, राबिया कलेक्शन करके, वहाँ परसों चोरी हुई थी, अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं हुई, FIR वगैरह सब हो गई है। चोरी होने से बच गया है, मतलब एम टाइम पे पहुँच गए, पकड़ में आ गए चोर, 3-4 बैग भर लिए थे कपड़े, उसको ले जाने को उसमें था, पता नहीं किसी ने कॉल कर दिया था यहाँ से, तो वहाँ बंदे पहुँच गए थे, तो पुलिस भी आ गई थी। हाँ, बच्चे नहीं हैं, हमारे जैसे उम्र के हैं, यहीं बस्ती के ही लड़के हैं जी। FIR करवा दिए हैं, अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं हुई। ऐसा नहीं होना चाहिए, अगर रिपोर्ट आई है तो FIR दर्ज हुआ, मैं एक बार वेरीफाई कर लेता हूँ थाना प्रभारी के पूछने के बाद इसमें स्पष्ट होगा। लेकिन सामान्यतः ये ऐसा नहीं होता है, तो घटना हुई तो FIR दर्ज हुआ। सब बंद करवा के सामने कपड़ा दुकान दो बार चोरी हुई, आरोपी गिरफ्तार हो रहे, माल बरामद करके वापस दुकानदार को दे दिया जा रहा है, लेकिन इसमें कोई फायदा नहीं किया। पर्टिकुलर किसी केस के बारे में मैं ऐसा नहीं बता पाऊंगा, थाना प्रभारी से पूछने के बाद में। और इस मसले पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जरीन सिद्दीकी इस समय लाइव जुड़ गए हैं। जरीन, पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे। रायपुर का ये मामला बताया जा रहा है जहां चोरी की वारदात सामने आई, चोर गिरफ्तार भी कर लिए गए, लेकिन कोई FIR तक दर्ज नहीं हुई है, मसला क्या है ये पूरा? जी पल्लवी जी, आपको बताना चाहूंगा, चोरी होती है हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी मुजगहन में, चोरी के बाद पुलिस कार्रवाई भी करती है, चोरी का माल भी बरामद हो जाता है, चोर भी पकड़े जाते हैं, लेकिन सबसे ताज्जुब की बात ये होती है कि ना तो घटना की FIR लिखी जाती है, ना ही किसी मुलजिम को गिरफ्तार किया जाता, जबकि मुलजिम पकड़े गए थे। मुलजिम नाबालिग थे, इससे पहले भी उन्होंने और कई घटनाओं को अंजाम दिया है, तो बार बार पुलिस के द्वारा इस घटना को, चोरी जैसी घटना को पूरी तरह से दबा दिया जाता है और उनके खिलाफ FIR नहीं दर्ज की जाती है। तो ये, और ये नाबालिग के पुलिस के द्वारा छोड़े जाने से नाबालिग के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं, तो एक के बाद एक चोरियां लगातार करते जा रहे हैं, बावजूद इसके पुलिस के द्वारा FIR नहीं करना अपने आप में एक बड़ा सवाल है। वहीं दूसरी तरफ जो IG है DM अवस्थी, उनका ये कहना है कि थाने में पहुंचने वाले सभी लोगों जो थाना पहुंच रहे हैं उनकी FIR तुरंत दर्ज की जाए, उसमें किसी भी तरह की हीला वाली बर्दाश्त नहीं की जाएगी, स्पष्ट निर्देश सभी थाना प्रभारियों को, इसके बावजूद FIR नहीं की जाती है। तो ये एक घटना सिर्फ चोरी की है, इस तरह से कई और मामले भी, मुजगहन थाना जो आउटर में पड़ता है रायपुर से थोड़ा सा, तो वहाँ थाना प्रभारी के द्वारा मामले को निपटा दिया जाता है, थाने में FIR नहीं लिखी जाती, सिर्फ और सिर्फ अपना रिकॉर्ड कुछ दुरुस्त रखने के लिए, ताकि जो अपराध का उनके थाना क्षेत्र का रिकॉर्ड है वो साफ सुथरा बना रहे। तो इस तरह की वारदातें अक्सर वहाँ पे घटती हैं, ये चोरी की ही घटना नहीं है और कई प्रॉस्टिट्यूशन की घटना है, लूट के भी मामले हैं, तो सबको रफा दफा करने की कोशिश की जाती है। इस ANB न्यूज ने जब देखा सारे तथ्यों की पड़ताल करी, दुकानदार से उसकी बाइक ली, दुकानदार ने बताया कि चोरी भी हुई थी और
ही लिखी गई है और इस तरह से चोरों को ये बोल के छोड़ दिया गया कि नाबालिग है अगर तो साथी जो वहाँ के ठीक है क्योंकि दूसरी बार ये मामला सामने आया है कि एक ही जो आरोपी नाबालिग जो आप बता रहे हैं कि ये जो चोर हैं वो नाबालिग हैं दूसरी बार इन्होंने चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। अब क्या कुछ कार्रवाई इन पर की जा रही है, क्या अभी ये पुलिस की गिरफ्त में है या अभी एक बार फिर से इन्हें छोड़ दिया गया है? पुलिस जी इन्हें गिरफ्तार किया ही नहीं गया था, यही सवाल उठ रहा है कि गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया था। अगर नाबालिग हैं तो बाल संप्रेक्षण गृह है उनके लिए, उनको सुधरने का मौका देने के लिए जो सरकार ने बनाए हुए हैं तो उस पे ना भेज के उनको वहीं से छोड़ दिया गया है। अभी फिलहाल किसी भी तरह की कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। एनडी न्यूज के जरिए ही ये मामला आला अधिकारियों के संज्ञान में जब लाया गया है तो उन्होंने साफ कहा कि मुझे इस मामले की जानकारी नहीं है। जाहिर सी बात है जानकारी तब होगी जब थाना में अपराध दर्ज होगा, FIR प्राथमिकता लिखी जाएगी तभी आला अधिकारियों को जानकारी होगी। तो जब एनडी न्यूज ने मामला आला अधिकारियों तक पहुंचाया तो उन्होंने कहा कि अभी तक जानकारी नहीं थी, अब मुझे जानकारी हुई है इस मामले में क्या हुआ है उसकी मैं जांच करवाता हूँ। देखिए और वो कह भी रहे हैं कि ऐसा होगा नहीं, वैसे तो FIR दर्ज कर ली गई है जैसा कि आप भी जानकारी दे रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि इस मामले की जानकारी मुझे नहीं थी, लेकिन वो कैमरे पर ये भी कहते हुए नजर आए कि FIR दर्ज कर ली गई होगी लेकिन अगर नहीं की गई है तो मैं इस मामले की जानकारी ले लेता हूँ। क्या वाकई में ये संभव है कि उच्च अधिकारियों के संज्ञान में इस तरह के मामले आते ही ना हो, एक ही आरोपी बार बार चोरी की वारदात को अंजाम दे रहा है और उसे छोड़ दिया जा रहा है और उच्च अधिकारी आंखें मूंद कर बैठे हुए हैं, उन्हें कुछ पता नहीं, क्या वाकई में जरीन ये संभव नजर आ रहा है? जी पुलिस के बारे में कहा जा सकता है कि खासतौर से राजधानी में जो आउटर में पुलिस है वो असंभव काम को भी संभव कर लेती है, तो यही कुछ यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है कि जब हमने इस मामले को लेकर वहाँ के मौजूदा CSP से भी संपर्क करना चाहा, थाना प्रभारी से संपर्क करना चाहा तो लगातार 2-3 दिनों तक हमने संपर्क किया लेकिन कोई भी कैमरे के सामने बोलने से इनकार करता रहा बसता रहा। तो इसके साथ जाहिर होता है कि संबंधित थाने के जो पुलिस अधीक्षक है उन्हें इस मामले की जानकारी रही होगी, उनके संज्ञान में होते हुए सारी बात की गई होगी। इसे लेन देन के मामले से भी जोड़कर देख सकते हैं कि आरोपियों ने कुछ लेन देन करके मामले को रफा दफा करवाने की कोशिश की हो। घटना से तो साफ ये जाहिर होता है कि कुछ आपस में लेन देन हुआ है और उसके बाद आरोपियों को छोड़ा गया है और तर्क ये दिया जा रहा है कि नाबालिग थे, लेकिन नाबालिग थे तो एक बार उनको छोड़ा गया, दूसरी बार छोड़ा गया, इस पहले भी उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। तो जाहिर सी बात है पुलिस के कार्य प्रणाली पे सवालिया निशान तो लगा ही है और जब ये इस तरह के मामले तो पुलिस अपने ही तरीके से निपटाती है, सिर्फ अपने थाने का रिकॉर्ड दुरुस्त रखने के लिए कि हमारे थाना क्षेत्र पे अपराधों की तादाद काफी कम है और जाहिर सी बात है इनमें लेन देन होने से उनको राजस्व की भी प्राप्ति होगी, अवैध तरीके से ही सही लेकिन प्राप्ति तो हो रही है। बिल्कुल, और दुकानदार का क्या कुछ कहना है क्योंकि उसकी बाइट हम सुन रहे थे तो वो साफ तौर पर कह रहा है कि उसकी ही उम्र के आरोपी हैं, नाबालिग नहीं है, और क्या कुछ नुकसान दुकानदार को हुआ है? जी पुलिस के द्वारा बताया जा रहा है कि नाबालिग है लेकिन जैसा कि आपने सुना कि दुकानदार जो है वो बता रहा है कि नाबालिग नहीं है, हमारी उम्र के हैं। और जो नुकसान की बात है तो माल जो बरामद कर लिया गया है क्योंकि आरोपी भी पकड़े गए थे तो माल पूरा बरामद किया कर लिया गया है, तो नुकसान दुकानदार का किसी भी तरह से नुकसान नहीं हुआ है क्योंकि उससे माल बरामद कर दिया गया और उसे भी समझा दिया गया कि तुम्हारा माल जो नुकसान हुआ है उस
वो तुम्हारी भरपाई हो रही है, कोर्ट कचहरी के चक्कर में क्यों पड़ रहे हो, जो भी तरह से उसको कन्विंस कर दिया गया है, लेकिन दुकानदार को कन्विंस कर दिया गया कि आप अपना जो चोरी किया गया सामान है, कपड़े की दुकान में चोरी हुई थी, तो करीब 2 बंडल कपड़े चोरी हुए थे, तो उन्हें उसको दिला दिया गया है। तो इसलिए दुकानदार भी चुपचाप बैठ चुका है, लेकिन चूंकि मामला हमारे संज्ञान में आया था, तो इसलिए हम लोगों ने नहीं बिल्कुल रायपुर पुलिस की कार्य प्रणाली पर यहाँ साफ तौर पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर कैसे इतनी बड़ी लापरवाही पुलिस कर सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया जरीन, आप हमारे साथ जुड़े, तमाम जानकारी आपने हमारे दर्शकों तक पहुंचाई। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB News को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।